नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जून शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए CBSE के जिस फॉर्मूले को हरी झंडी दी थी, उसे कुछ छात्रों ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर कर इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। देश भर के 1150 से ज़्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट पिछले कई सालों के पास होने की उम्मीद में इम्तिहान देने वाले, पत्राचार से 12वीं करने वाले, ड्रॉप आउट प्राइवेट छात्रों के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों आदि की स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सभी जरूरी इंतजाम करने के मुद्दे भी याचिका में उठाए गए हैं। झुंझुनू जिले के अलीपुर गांव में हिस्ट्री शीटर बलकेश का मर्डर होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बलकेश चूरू जिले के हमीरवास थाने का हिस्ट्री शीटर था और वह संपत नेहरा गैंग का सदस्य बताया जाता है। बगड़ थाना पुलिस ने बताया कि बीती रात को बलकेश अपने साथियों के साथ थार गाड़ी में अलीपुर गांव आया था। गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई है, जबकि बलकेश के साथ दो साथी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हिस्ट्री शीटर बलकेश सप्ताह भर पहले ही जेल से छूटा था। घटना के बाद हमला करने वाले फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। देश भर में दिनों दिन कोरोना की रफ्तार मंद पड़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच एम्स चीफ सहित कई एक्सपर्ट्स यह कह चुके हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर टाली नहीं जा सकती है। कम होते दैनिक मामलों के बाद अब कई राज्यों ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं यह ढील देश के लिए महंगी न बन जाए, इससे पहले ही केंद्र ने राज्यों को बता दिया है कि वे सतर्कता बरतें। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के सचिवों को चिट्ठी लिखी है और उन्हें TT+V फॉर्मूला अपनाने को कहा है। चिट्ठी में सभी राज्यों को बताया जाता है कि पाबंदियों में छूट देते समय वे टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन यानी T3+V फॉर्मूले का ध्यान रखें। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, जैसे मास्क पहनने, हाथ साफ करना, सामाजिक दूरी और बंद जगहों में वेंटिलेशन के ऊपर भी काम करें। पंजाब के तरनतारन जिले के गांव पदरी कला में कांग्रेसी सरपंच के बेटे की मामूली तकरार के चलते गोलियों मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही DSP सिटी सुच्चा सिंह समेत पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार जिले के गांव पदरी कला के सरपंच दिलबाग सिंह अपने बेटे शगुनदीप सिंह उम्र 23 साल के साथ गाँव के खाली तालाब में मछली पालन के ठेके बाबत हो रहे दो गुटों में झगड़े को शांत करवाने पहुंचे थे। इस दौरान सरपंच के बेटे को गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजमेर जिले के क्लॉक टावर और क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में ATM व कैश डिपॉजिट मशीन से छेड़छाड़ कर नकदी चुराए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा दो मशीनों से करीब 9,90,000 रुपये निकाल लिए। वहीं क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में ATM से करीब 5,00,000 रुपये पार कर लिए। दोनों जगहों से अज्ञात बदमाश 13,95,000 की नकदी चोरी कर ले गए। दोनों थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यह वारदात ATM में लगे CCTV कैमरों में भी कैद हो गई। बीकानेर जिले के नोखा पुलिस थाना क्षेत्र में 38 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार रोडा निवासी तारा सिंह ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी मनीषा कंवर की मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण घर में बने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल के साथ हाथापाई होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन थाने के सामने नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल से दुकान मालिक ने हाथापाई की। सभापति गणेश राज बंसल और JNCC सड़क उखाड़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान दुकान मालिक ने सभापति गणेश बंसल के साथ हाथापाई शुरू कर दी। दुकान मालिक ने सभापति पर ईंट मारने का भी प्रयास किया। सभापति ने कहा कि दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सीकर जिले के थोई थाना क्षेत्र की अंबेडकर कॉलोनी में पति को काम पर भेजने के लिए खाना बनाने बैठी महिला की शनिवार को आग में झुलसने से मौत हो गई, जो दोनों पैरों से लाचार थी, जिसके कारण वह भाग भी नहीं पाई। पति और अन्य लोगों ने महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि किराए के कमरे में रहने वाले अनीता ने रोज की तरह सुबह चाय बनाई थी, इसके बाद खाना बनाने में जुट गई थी। कुछ देर बाद सिलेंडर लीक हो गया, कुछ समझ पाते इससे पहले आग लग गई। आग ने बिस्तर और दूसरी चीजों को भी चपेट में ले लिया। पति नानकग्राम शौच के लिए गया हुआ था। पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। फेसबुक आईडी के माध्यम से कुछ लोगों को मैसेज भेजकर पैसे की डिमांड की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल ने इस मामले में सोशल मीडिया पर इस आईडी को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इस आईडी में कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना की जाए। उनके नाम से अगर कोई पैसे की डिमांड की जाती है तो कोई व्यक्ति पैसे ना दे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी आईडी को लेकर स्क्रीनशॉट भी वायरल किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.